आइए भक्तों, आज हम आपको बौद्ध पूर्णिमा यानी कि बौद्ध जयंती की पावन कथा सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं कथा किस प्रकार की है। आई है बौद्ध जयंती, हम मिल त्योहार मनाए, गौतम बुद्ध जी की शिक्षा चल जन जन तक पहुँचाए। मिलता है ग्रंथों में बखान भक्तों, कर लो तुम बौद्ध को प्रणाम भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की ये बौद्ध जयंती आई, पावन है तिथि कहलाई। इस दिन प्रगटे गौतम बुद्ध, ऐसी ही कथा है पाई। था नगर लुम्बनी प्यारा, और कपिल वस्तु थी नगरी। राजा थे वहाँ शुद्धोधन, प्रजा थी सुख में रहती। ऐसा ही मिलता है बखान भक्तों, सुन लो तुम इस कथा का ज्ञान भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। सुनो इस नगरी में प्रगटे श्री गौतम बुद्ध जी जाए। इनका था नाम सिद्धार्थ, आगे जो बुद्ध कहलाए। हर्षाई थी सब नगरी, जब जन में बौद्ध ये न्यारे। घर घर बजती बधाई, मनते थे उत्सव प्यारे। ऐसा ही मिलता है बखान भक्तों, सुन लो तुम इस कथा का ज्ञान भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। बचपन जब इनका बीता, सुख सुविधा सारी पाई। सुख सारे राजसी भोगे, हुई काया थी अलसाई। सुनो कमी नहीं थी घर में, ये राजकुंवर कहलावे। थे 56 भोग वो खाते, और मन ही मन हर्षावे। पाते थे आनंद का वो धाम भक्तों, ऐसा था राजसी वो काम भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। एक दिवस की घटना बताऊं, वे घूम रहे थे वन में। एक हंस था घायल पाया, वे सोचे तब ही मन में। देवद्रथ ने उसको मारा, उसने अधिकार जताया। सिद्धार्थ कहे ये मेरा, मैंने प्राणों को बचाया। पहुंचे वो शुद्धोधन के पास भक्तों, करते थे न्याय की गुहार भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बहुत।
बौद्ध जयंती की कथा तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तब न्याय के हेतु राजा ने था उपाय बताया, मंत्री के कहने पर ही तब हंस को पास बुलाया। बोले सुनो हंस पक्षी, जिसके भी पास में जाए वो ही इसका रखवाला, मालिक भी वही कहाए। सुन लो क्या आगे का बखान भगतों, होता था न्याय का सम्मान भगतों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। पक्षी ने सब कुछ समझा, सिद्धार्थ के चरण में आया। पक्षी भी समझ गया था, इसने ही मुझे बचाया। ये जीव दया के समर्थक, हिंसा न करने वाले थे, प्रेम शांति अवधूता बन गौतम बुद्ध निराले। ऐसा ही मिलता है बखान भगतों, ये ही बौद्ध जयंती का ज्ञान भगतों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। जब 20 बरस की आयु तब इनका विवाह कराया, पत्नी यशोधरा रानी गुणवंती पत्नी को पाया। फिर घटना घटी थी ऐसी, तब सब घर बार को छोड़ा, तब शांति खोज में पहुंचे, बस काज यही था खटका। वन में करते बुद्ध प्रस्थान भगतों, क्यों ये किया था सुन लो काम भगतों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। रथवान के संग में एक दिन राज्य मार्ग पे आए, तब तीन अवस्था देखी, बुद्ध थे है रथ में आए। एक रोगी दूजा बूढ़ा, एक बालक को भी देखा, जीवन का सत्य क्या ये है, तब रथ वाले से पूछा। उसने भी दी थी ये पहचान भगतों, पाया था शाश्वत तभी ज्ञान भगतों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। जब मृत्यु अंतिम सत्य, तब जीवन का मूल्य क्या है, इसका ही पता लगाने
वन में प्रस्थान किया था। जिस वृक्ष तले वे बैठे निर्विघ्न हो ध्यान लगाते, सोचे मैं घर को लौटू ऐसे भी विचारते आते। मन ही मन होते परेशान भक्तों, टूटता जाता उनका ध्यान भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तब दृश्य उन्होंने देखा, नीचे एक आई गिलहरी, कुछ वस्तु मुख में लाई जो उसके मुख ना ठहरी। लेकिन हिम्मत ना हारे, फिर से वस्तु को लाए, उसकी क्रिया को देखा गौतम तब समझते पाए। देती थी उनको ऐसा ज्ञान भक्तों, जिससे ही वे बने महान भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की तब बोध गया में जाकर सब ब्राह्मण ज्ञान को पाया। तब अहिंसा परमो धर्म ये ही था रास्ता दिखाया। सुनो इस पथ पे चलकर निर्वाण गति को पाया। इन गुणों के कारण सुनो ऐसे पद को भी पाया। कीना था दुनिया का कल्याण भक्तों, ऐसे थे गौतम बुद्ध महान भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा। तुम्हें इनकी कथा सुनाई जो प्रेम भरी सुखदाई, शांति और दया सिखावे महिमा सारी बतलाई। ये बुद्ध भगवान निराले जग के कल्याणकारी, इनकी इस महिमा ने ही दुनिया है सारी तारी। ऐसी जयंती है महान भक्तों, करती है सबका ही कल्याण भक्तों। तुमको सुनाए हम आज, सुनो जी बौद्ध जयंती की कथा।